दोस्तों लगातार कई सारे कमेंट्स में मतलब कई महीनों से हमारे पास लगातार क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एफआईआर से वेरिफिकेशन कैसे होती है। हमने कई बार सुना है दोस्तों के मुंह से। दोस्तों हमने वीडियोस बनाई थी, ऐसी जो वीडियोस है ना, एफआईआर से वेरीफाई कैसे कराएं, वेरिफिकेशन कैसे कराएं, फर्जी यूनिवर्सिटीज कौन सी है, फर्जी कॉलेज कौन से हैं, ये सब वीडियोस हमने ही बनाई हैं। शुरुआत में हमने वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाए हैं, क्योंकि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी का। अभिव्यक्ति की आज़ादी है दोस्तों, आपको जो बोलना है खुलकर बोलिए, बट वो समाज के भले के लिए होना चाहिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए। आप किसी तक इन्फॉर्मेशन कोई पास कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे लगातार पूछा था कि सर मैं भी चाहता हूँ कुछ बोलना यूट्यूब पे आकर, तो आप बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं, जब तक कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स उससे आहत ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे के अगेंस्ट आपने बोला है जबकि वो ऐसा नहीं है, तो आपके अगेंस्ट वो मानहानि का केस ठोक सकता है। अब बात आती है कि एफआईआर से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कराएं, या फिर हम कैसे कराएं सर अपने यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, या फिर सर अगर हमें यूनिवर्सिटी लेटर दे दिया है तो वैलिड है कि नहीं, या फिर सर मैंने अपना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर ली है, मैंने ग्रेजुएशन बैकडेट से कहीं से की थी, तो सर अब तो ये मान्य हो गया, ये सब कुछ मान्य है कि नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे सवाल हैं, उन सबके बारे में बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे करें। सबसे पहला और बिल्कुल सटीक उपाय है आरटीआई। दोस्तों आरटीआई से अच्छा मैं तो किसी भी चीज को वेरिफिकेशन नहीं मानता। आप कैसे कराएं वो आपकी मर्जी है। आरटीआई से अगर आपका वेरीफाई एक बार हो गया तो कम से कम यूनिवर्सिटी उस पर नकार नहीं सकती कभी भी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है। आरटीआई एक्ट 2005 ने जो हमें अधिकार दिए हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उनको वेरीफाई करने में उसको हर्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर उसको हर्ज है या उसको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज मत करना। हमने वीडियोस बनाई हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से आपने कोई कोर्स किया है या कहीं से भी आपने, मान लीजिए कि आपने मास्टर्स कर लिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आप ग्रेजुएशन शॉर्टकट मार के आप कहीं से आए थे और आपका एडमिशन वहां पे हो गया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, इट्स नॉट मीन दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर जो वो प्रीवियस जो आपकी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स जहां से आपने किया, वो कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराते, सिर्फ लेते हैं, एडमिशन दे देते हैं। आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो कसूर आपका है, उसके लिए जेल आप जाओगे, ना कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे लोगों ने LLB कर लिया, LLB करने के बाद में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जाके बार काउंसिल में डॉक्यूमेंट्स दिए, पता चला कि उनकी ग्रेजुएशन फर्जी थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि लोगों ने, कई लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, LLB के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार काउंसिल में गए, बनने तो वाले थे वकील, मतलब कि लोगों की पैरवी करने वाले थे, बन गए वो लोग एक्यूज, मतलब जेल तक जाना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई ही नहीं किया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। FIR से डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई कराएंगे? दोस्तों मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित देखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, फर्जी तो नहीं, तो आप क्या कीजिए, आप उन डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए कि भाई मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए हैं, मैं कहीं जा रहा था, फोल्डर में थे या कुछ भी था, या आग लग गई घर में। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं उसके अंदर, आप वो बनाइए और जा कंप्लेंट लिखवाइए, FIR कटवाइए। ऑनलाइन भी FIR काट सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। उस कॉपी को लेकर जाइए यूनिवर्सिटी, कॉपी को जाके दीजिए कि सर मेरे डॉक्यूमेंट सारे खो गए हैं और मुझे निकलवा रहे हैं, सिर्फ मेरे पास मेरा एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, सर उसकी तो फोटोकॉपी मेरे पास नहीं है, आप ये बोलना। अब बोलोगे और जब यूनिवर्सिटी ने दोबारा से आपकी कॉपी निकाली, मार्क्स वगैरह सब कुछ सेम आया, तो समझ लेना कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड है। और अगर यूनिवर्सिटी ने उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाए और बोले कि मार्क्स कितने थे, कॉपी चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, तो समझ लेना कि आपके जो वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे आपको वो गड़बड़ है, उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं आपको यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करोगे तो फंस सकते हो। FIR से भी आप करवाओगे तो वो भी एक लीगल प्रावधान हो सकता है बिल्कुल, बस थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, यूनिवर्सिटी जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यूनिवर्सिटियां बस किसी भी बहाने से आपसे पैसा लेना चाहती है, डिग्री के नाम पर, माइग्रेशन के नाम पर, प्रोविजनल के नाम पर, वेस्ट करवाना है तो उसके नाम पर, अब डिग्री को वेरीफाई कराना है तो 10-15 हज़ार की फीस और दो, ये सब तरीके हैं, क्योंकि पहले इन्होंने बैकडेट डिग्री आपको देकर पैसा कमाया, अब वो इस तरह से पैसा आपसे ऐंठना चाहते हैं। पर इस तरह की हाई फीसें ये उन स्टूडेंट से नहीं लेते जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अगर कभी गवर्नमेंट इनके रिकॉर्ड को अच्छे से खंगाले
तो यूनिवर्सिटी एक एक साल में लगभग 50,000-1,00,000 तक स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट देते हैं, जबकि कैपेसिटी देखा जाए जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट किसी भी कैंपस में वो 5,000-6,000 से ज्यादा है ही नहीं। 10,000 होना मतलब कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छे लेवल पे चलती है, जबकि इतने स्टूडेंट्स नहीं है। बट 50,000-1,00,000 तक डिग्रियां बांट दी, कहां से बांट दी, सारी बैकडेट डिग्रियां हैं ये। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस के अलावा आपकी फीस में काफी अंतर होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करते हो, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं वो अलग। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं बैकडेट डिग्री के चक्कर में मत पड़ो, बैकडेट डिग्री सिर्फ एक झांसा है, आप झांसे में फंस गए। फंसने के तरीके बहुत सारे हैं। तरीके क्या है, मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफी लड़कियों की शादी करनी है, आपको फर्दर कोई कोर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आपको एब्रॉड जाना है, आप बैकडेट डिग्री लेते और फंस जाते हो, डॉक्यूमेंट को इवन आप वेरीफाई तक नहीं कराते। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के रखना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटियां कब आपके लिए हाथ खड़े कर दें, कब आपकी डिग्री देने से मना कर दें, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास एविडेंस नाम पर सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है, और वो भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां ना तो आपको फीस रसीद देती हैं, ना एडमिट कार्ड देती हैं, ना ही लाइब्रेरी कार्ड देती हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस ये आपको नहीं देंगे जिससे यूनिवर्सिटी वाले फ्यूचर में फंस जाए, क्योंकि ये अपने आप को सेफ रखते हैं। कभी इन पर कोई बात आई तो सीधा यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देगी और बोलेंगे कि हमारे पास तो आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, डिग्री ये फर्जी है, जबकि वो फर्जी नहीं होती, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड होता है, बट वो ना फंस जाए इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिल में कि सर मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी पुलिस बुला ले और मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दे। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल क्यों हो सकता है, डॉक्यूमेंट अगर आपके फर्जी हैं किसी भी शॉर्टकट में लिए हैं तो ऐसा यूनिवर्सिटीज करती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देने पे आएंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, पर मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट्स पर पहले आरटीआई लगा लोगे तो आरटीआई से जवाब अगर आ गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक है फिर प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं क्या यूनिवर्सिटी से लेटर ले लूं, लेटर दे रही है यूनिवर्सिटी 3,000-5,000 रुपए मुझे, तो वेरीफाई करा लूं। दोस्तों जिस तरह से आपके पास मार्कशीट्स आई है ना उसी तरह से लेटर भी आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंस क्या है? फिर तो आप क्वेश्चन ही मत खड़ा करो कि मेरे डॉक्यूमेंट गलत है, उन डॉक्यूमेंट को यूज करो, पैसे खराब मत करो खामा कहीं लेटर लेने में। और अगर लेते भी हो और आता भी है तो बाय पोस्ट जो आया उस पोस्टल लेटर को अपने पास संभाल के रखो, जो फीस आपने ट्रांसफर की उसकी रसीद संभाल के रखो। ये भी एक एविडेंस का एक काम कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आपको कभी प्रॉब्लम किसी भी तरह से आएगी तो। बट दोस्तों बैकडेट डॉक्यूमेंट लेना ही मत, बिल्कुल बायकॉट कीजिए और सिस्टमेटिकली कोर्स कीजिए ताकि फ्यूचर में आप कम से कम कुछ समझ सके, ज्ञान ले सके। दोस्तों सिंपल सी बात बताऊं आपको, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, क्वालिफाइड मत बनाइए। बहुत बार बोलता हूं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप करोगे क्या? सिंपल सी बात है, नॉलेज आपको है नहीं, डॉक्यूमेंट लिए जा रहे, जॉब कल लग भी गई आपकी, कल फ्यूचर में किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आप फंस जाओगे। तो बेहतर यह है कि आप डॉक्यूमेंट बैकडेट के मत लो, अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए। दोस्तों नॉलेज होगी ना कुछ काम आपको जरूर मिल जाएगा, बहुत दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे काम है, बट ये बैकडेट डॉक्यूमेंट्स आप ना लो तो ही आपके लिए बेहतर है। और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की हम अगर बात करें, लोग बोलते हैं सर मैंने वैस करवा लिया अब तो मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, पर क्या एक्सेप्शन में, एक्सेप्शनल केस में क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी बंदे ने जाकर या फिर आपके कंसल्टेंट ने जाकर वहीं जाकर उस गलत ट्रांसक्रिप्ट को यूनिवर्सिटी कोर्ट से पोस्ट कर दिया हो? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अगर पेमेंट की है उस चीज की जो आप वैसे निकलवा रहे हो, यूनिवर्सिटी ने भेजी है, यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी लेती है, तो दोस्तों फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक बार आपको आरटीआई से वेरीफाई कर दिया तो मतलब फिर वो ना तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। और ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों कि स्टूडेंट्स ने मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स लिए गए, डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल तक यूनिवर्सिटी निकलवाया और जब वेरीफाई कराने के लिए गए तो यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से ही मना कर दिया। ऐसा होता है कई बार। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर एफआईआर से जो डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाओगे, ये प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया। और उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताई अपनी इस वीडियो में,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ वो समझ आई होगी। फिर भी कोई किसी तरह के डाउट्स या क्वेश्चंस हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा जितना हम लोग उस पर हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने सीखा हो काफी कुछ, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपने आप को एजुकेटेड बना सके और एजुकेशन के बारे में क्या कुछ चल रहा है सब कुछ हमारे देश दुनिया में उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो हम लगातार वीडियोस लेकर आते हैं। और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।